हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल फ्रॉम सिनेमैटिक एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो ये वीडियो शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं एज अ माउस फॉर योर पीसी और योर लैपटॉप। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी स्टेप्स मिस ना करें। तो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस पे। तो इसके लिए आप अपने ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए रिमोट माउस। और ये एप्लीकेशन आप अपने आईफोन या फिर अपने एंड्रॉयड दोनों में ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर दिस वीडियो मैं अभी आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे अपने फ़ोन पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है और मैं अभी इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो है ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसे दोनों ही सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, मैकबुक एज वेल एज इन द विंडोज़। तो उसके बाद दूसरे स्क्रीन पे मुझे दिखा रहा है कि आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है इसका आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो आप सिंपली इसे नेक्स्ट कर दीजिए। और फिर यहाँ पे इसे इंस्टॉल करने के बाद अभी हम चलते हैं हमारे पीसी के तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पे और अभी जो है हमें जाना है हमारे ब्राउजर में और यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको गूगल पे रिमोट माउस। और रिमोट माउस सर्च करते ही जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, आपको उस पर जाना है और यहाँ से आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है जो कि हमारे पीसी के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं गेट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें मैं विंडोज सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो चुका है, अभी मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ हमारे सिस्टम पे। तो आपको सीधा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाना है और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा ये। तो अभी जो है यहाँ पे हम परमिशन दे देते और ये इंस्टॉल हो गया है। तो अभी इसे फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ से उसे चालू करना होगा। तो आपको सिंपली सर्च में जाकर आपको रिमोट सर्च करना है और यहाँ से उसको परमिशन देके आप, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो आ चुका है। तो इसे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है आपको शो आईपी एंड क्यूआर कोड के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से आप जो है आईपी एड्रेस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो या तो फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू भी। तो मुझे जो लगता है इजी वो है क्यूआर कोड। तो मैं क्यूआर कोड, ये जो क्यों है क्यूआर कोड, इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ अपने डिवाइस से। तो अभी चलते हैं हमारे फ़ोन की तरफ और उसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम क्यूआर कोड से कनेक्ट करेंगे हमारे डिवाइस को। सो गाइस, अभी हम कनेक्ट करने वाले अपने डिवाइस को विद द पीसी। अभी यहाँ पे अगर आपका डिवाइसेस दोनों सेम वाईफाई पे है तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि मुझे थोड़ा इश्यू आ रहा है तो मैं एक दूसरा तरीका यूज़ करता हूँ, वो कि मैं क्यूआर कोड के थ्रू कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो है आपको एक छोटा सा प्लस आइकॉन दिख रहा है, आपको इसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्कैन क्यूआर कोड। तो इसे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका कैमरा चालू हो जाएगा। आपको सिंपली जो है आपको स्कैन करना है इस क्यूआर कोड को। अब ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मुझे, तो मुझे थोड़ा सा नज़दीक लेके जाना पड़ेगा और ये स्कैन हो गया। अब यहाँ पे जो है मुझे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस बता रहे, जैसे कि अगर मैं एक क्लिक करूँगा तो वो लेफ़्ट क्लिक होता है और अगर मैं दो फिंगर से टैप करूँगा तो वो राइट क्लिक होगा। और ऐसे ही बहुत सारे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसे क्लोज़ कैसे करते हैं, ओके तो या तो अभी ये क्लोज हो चुका है और अभी जो है हम टेस्ट करेंगे कि ये माउस काम करता है कि नहीं। तो अभी ये फ़िलहाल पूरा कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आईपी एड्रेस भी दिख रहा है जो कि मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है, तो अभी हम टेस्ट करेंगे कि ये यूज़ एक्चुअल में काम करता है कि नहीं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली काम कर रहा है विदाउट एनी लैग। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं दो फिंगर से स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर रहा हूँ और एज वेल एज मैं ये राइट क्लिक यूज़ कर सकता हूँ। इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस को एक माउस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो यही था वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना और मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊँ। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।